नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 7 विकेटों से जीत हासिल कर ली। जी हां, शिखर धवन के शानदार 86 रन, इसके अलावा ईशान किशन के डेब्यू मैच में ही शानदार अर्धशतक के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका के लिए 263 रनों को 36.4 ओवर में ही हासिल कर 7 विकेट से जीत मैच में दर्ज की। आपको बता दें, इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त भी बना ली है। आपको बता दें, इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। श्रीलंका के लिए अविष्का फर्नांडो ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की थी और पहले विकेट के लिए दोनों ओपनरों ने 49 रन जोड़कर टीम को सधी हुई शुरुआत दी थी। इसके बाद टीम इंडिया के स्पिनरों ने मैच पर अपना हुनर दिखाया और लगातार अंतराल पर श्रीलंका के विकेट गिरते चले गए। निचले क्रम में करुणारत्ने के 35 गेंदों पर 43 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 262 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। खासतौर पर पृथ्वी शॉ तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर 43 रन कूट दिए थे और इस दौरान 9 चौके लगाए थे। पृथ्वी शॉ 180 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के बाद वापस पवेलियन लौट गए थे। शॉ के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने वनडे करियर की अपनी पहली ही गेंद पर छक्का ठोक कर सबको हक्का बक्का कर दिया था। ईशान किशन यहीं नहीं रुके और इसके बाद ताबड़तोड़ पारी जारी रखी और वनडे करियर की अपनी पहली ही पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। ईशान किशन ने 62 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली जिसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए। हालांकि शिखर धवन एक छोर पर टिके रहे और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। शिखर धवन ने 95 गेंदों पर 86 रनों की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 1 छक्का लगाया। टीम इंडिया ने श्रीलंका के दिए स्कोर को 36.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में वनडे सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली है। आपको बता दें, टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की T20I सीरीज भी खेलनी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।